Hello everyone, this is Prabha Thanvi from Learn and Achieve. Today we are going to learn about Anne Frank. From the diary of Anne Frank, we are going to learn about the summary of this chapter. Anne Frank's first entry in the diary. Anne Frank, a 13-year-old girl, was gifted a diary by her father. So she decided to write in her diary, which she considered to be her best friend in the loneliness, and named it Kitty. एन फ्रैंक एक 13 साल की लड़की है जिसे उसके पिता एक डायरी गिफ्ट करते हैं, तो वो उसमें लिखने का निश्चय करती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास फैमिली नहीं है या वो लोनली फील कर रही है, लेकिन टीन एज में ऐसा होता है कि हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपनी फैमिली और कई बार हम अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो डायरी में लिख के एक्सप्रेस करते हैं। तो वो डायरी में लिखती है, जिसे वो नाम देती है किटी। शी बिगिन राइटिंग इन June 1942. In her first entry, she expressed her desire to confide everything to the diary, as she had not been able to do so to anyone else. वो जब लिखने का निश्चय करती है डायरी में अपने मन की हर एक बात, तो ये वो सोचती है कि मैं अपने सारे सीक्रेट जो है इस डायरी में लिखूँगी, एक्सप्रेस करूँगी। शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की, और ये बताती है कि वो 13 साल की लड़की कितना मैच्योरिटी से सोचती थी। उस बच्ची को ये पता था कि पेपर हैड मोर पेशेंस, कि जो पेपर हैं उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों के बजाय, क्योंकि अगर हम अपनी बात किसी को बताएंगे तो वो हमारा सीक्रेट आउट भी कर सकता है, लेकिन पेपर जो हैं वो हमारा सीक्रेट लीक नहीं करेंगे, क्योंकि बुक्स जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं ना, इसी तरह से पेपर्स में भी पेशेंस होता है, वो हमारी बात को अपने तक ही रखते हैं। सेकेंडली, शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी एज शी वॉज़ अ स्मॉल गर्ल। दूसरा थॉट उसके मन में ये आता है कि ठीक है, मैं डायरी लिखूँगी, लेकिन मेरी डायरी कौन पढ़ेगा, मैं तो एक छोटी लड़की हूँ। हर चाइल्डहुड एंड फैमिली। एन कॉल्ड हर फादर द मोस्ट एडोरेबल पर्सन। ही वॉज 36 व्हेन ही मैरिड हर मदर, हु वॉज जस्ट 25. शी हैड एन ओल्डर सिस्टर मार्गोट। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स। दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट फॉर सम टाइम, बट एज दे वर ज्यूइश दे हैड टू माइग्रेट टू हॉलैंड फॉर रेफ्यूज। एन अपने पिता को एक प्रशंसनीय व्यक्ति मानती थी, जैसे कि हर बेटी अपने पिता को अपना आइडियल पर्सन मानती है। उनकी फैमिली में 30 पीपल यानी कि 30 लोग थे, लेकिन फिर भी वो ये ऐसा मानती थी कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। यही एक मेन रीज़न था कि उसने एक डायरी लिखनी शुरू की था। एंड स्कूलिंग। शी वॉज सेंट टू अ मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6. एट हर फेयरवेल शी एंड हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस कूपर्स हैड टीयर्स इन देयर आइज। तो उस स्कूल में, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में, जो उसकी प्रिंसिपल थी मिसेस कूपर्स, उनके साथ उसका बहुत अटैचमेंट हो गया, तो जब फेयरवेल हुआ तो उन दोनों की आंखों में ही आंसू थे। एट हर ग्रैंड मदर्स डेथ इन द समर ऑफ 1941 हर ग्रैंड मदर फेल इल। शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, बट शी डाइड इन January 1942. इट गेव एन अ शॉक एंड शी डिड नॉट राइट हर डायरी इन दैट पीरियड, बट आफ्टर दैट शी रोट अगेन एज शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स लव एंड अफेक्शन। जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो वो बहुत ही उदास रहने लगी और उसने डायरी लिखना बंद कर दिया। लेकिन जब उसने ये सोचा कि ये लाइफ की रियलिटी है और उसने अपनी ग्रैंड मदर की के लव और अफेक्शन के बारे में सोचा, तो उसने डायरी फिर से लिखने का निश्चय किया। हर व्यू अबाउट टीचर्स। एंड वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, सो शी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट। एन का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो मैथ सब्जेक्ट से बहुत डरती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था, ना ही उसके फ्रेंड्स को, वो बहुत चिंतित रहती थी। बट शी वॉज श्योर दैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास। लेकिन इतना था कि वो दूसरी क्लास में जा पाएगी, मीन्स वो पास हो जाएगी। शी ऑलवेज कंसिडर टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। तो वो ये मानती थी कि धरती पर जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब बताया नहीं जा सकता कि कब वो क्या व्यवहार करेंगे, कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उनका मूड कब कैसा होगा। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नोट टू लॉस होप। लेकिन फिर भी उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि तुम उम्मीद रखो कि हम पास हो जाएंगे। पनिशमेंट बाय मिस्टर कीसिंग। एंड वॉज अ गुड स्टूडेंट
and had a good relationship with all the teacher except Mr. Keesing. And एक बहुत अच्छी विद्यार्थी थी और उसका सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था सिवाय मिस्टर कीसिंग के हु टोट हर मैथ्स. पहले भी जैसे मैंने बताया कि उसे मैथ्स नहीं पसंद था तो ऑब्वियसली उस टीचर से को भी वो पसंद नहीं करती थी. ही वॉज ऑलवेज अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर. वो उससे इसलिए नाराज़ रहते थे कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत बातें करती थी. ही यूज़ टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज़ पनिशमेंट. तो वो उसे पनिशमेंट में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे. ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स. तो उन्होंने उससे एक निबंध लिखने के लिए कहा अ चैटर बॉक्स. ही ऑल्सो पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर बैग टू रिमाइंड हर अबाउट इट. इवन कि वो उसके बैग पे एक चिट लगा देते थे ताकि वो ये भूले नहीं कि उससे बातूनी लड़की पर एक निबंध लिखना है. कम्प्लीशन ऑफ होमवर्क एंड वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी कुड राइट इन द एसे. उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस निबंध में क्या लिखे. शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसिडर इट द नेसेसिटी. शी रोट द 3 pages फॉर हर सेटिस्फेक्शन. लेकिन उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 pages लिख दिए. शी डिफाइंड इट एज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो मैंशनड दैट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर हु ऑल्सो यूज टू टॉक मच. उसने ये उसमें बताया कि ये एक हर विद्यार्थी का लक्षण है और ये जो क्वालिटी है ट्रेट मीन्स उसे ये जो करेक्टरिस्टिक्स मिला है ये क्वालिटी मिली है वो उसे अपनी मदर से मिली है. शायद वो भी बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी. होमवर्क गिवन एज पनिशमेंट अगेन. मिस्टर कीसिंग रीड एंड एसे इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड लाफ्ड एट इट. तो जब स्कूल में एन फ्रैंक का ये एसे पढ़ा गया सबके सामने तो उन्हें बहुत हंसी आई. ही गेव हर अनदर एसे एज अ पनिशमेंट ऑन द टॉपिक एंड इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स एंड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो अब जब उसका वो एसे पढ़ा गया तो उन्होंने उसे बोला कि इसका नाम ही रख दिया मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. एंड मॉक्स मिस्टर कीसिंग अम्यूजिंगली विद हर होमवर्क and wanted to write something interesting and different this time. अब वो इस समय पर बहुत interesting लिखना चाहती थी. So with the help of her friend Sen who was good at poetry. उसकी जो मित्र थी सैन वो poetry में बहुत अच्छी थी तो उसने उसकी help ली. She wrote an essay in verse. तो उसने उस निबंध को एक कविता के रूप में लिखा. It was about 3 ducklings going dead because their father duck bit them as they quacked too much. कि उन 3 ducklings को उसके पिता के द्वारा इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक किया करती थी, बातें किया करती थी. तो मिस्टर कीसिंग टुक द जोक इन द राइट वे. तो जब मिस्टर कीसिंग ने इस पोइट्री को पढ़ा तो उन्होंने समझा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये बातें कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. उन्होंने जब उनकी भावनाओं को समझा तो उन्होंने उसे सही तरीके से लिया एंड डिड नॉट बॉदर एन फॉर टॉकिंग आफ्टर दैट इंसिडेंट. तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं लिया और उसे बातें करने दी, उसे लाइफ के लिए एक्सप्रेस करने दिया. शी वॉज़ नॉट इवन गिवन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दैट. तो इसके बाद में उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एन फ्रैंक ने कैसे अपने टीचर को अपने जो उसकी बात करने की जो आदत थी उसके लिए भी एक कैसा तरीका चूज़ किया, उन्हें किस तरीके से समझाया कि बात करने से मन हल्का हो जाता है और इसीलिए उसने ये डायरी भी लिखी. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.